नमस्कार, गौरव नीटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इस तरह का बॉर्डर डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये डिज़ाइन जो है हमारा 16 फंदों पे बनता है, 16 स्टिचेस। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो है नीचे से मैंने बॉर्डर बना ली है हल्की सी, और जो ये हमारे नीडल्स हैं, 16 नीडल है हमारी ये। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें, देखिए, चार फंदे हम पीछे की साइड रखेंगे और चार जो फंदे होंगे, 4 निडिल होंगे, उन्हें हम आगे की तरफ कर लेंगे इस तरह से। फिर एक निडिल हम पीछे रखेंगे और चार निडिल को हम फिर से आगे कर लेंगे इस तरह से। फिर एक निडिल हम पीछे छोड़ेंगे और जो दो निडिल होंगे हमारे, उसे हम आगे कर लेंगे इस तरह से। 4, 1 का गैप, फिर 4 निडिल, फिर 1 का गैप, फिर 2 निडिल, ठीक है। अब हमें जो हमारी राइट साइड की निडिल है, इन दोनों निडल को हम लेंगे और अपनी लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे इन फंदों को इस तरह से। दो फंदे हमने ट्रांसफ़र कर लिए। अब जो हमारे ये चार चार निडल हैं, इनके सेंटर में जो हमारी एक निडल है ये, इसमें हमने इन दोनों साइड की जो चार चार फंदे हैं उनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले हम अपनी राइट साइड के फंदों को ट्रांसफ़र कर लेंगे इसमें इस तरह से। ये देखिए, अब हमारे लेफ्ट साइड के जो फंदे होंगे उनको ट्रांसफ़र करेंगे। जो हमारी ये सेंटर की निडिल है, ये वाली जो सेंटर की निडिल है, उसमें हमें इसे इस तरह से ट्रांसफ़र करना है। देखिए, चार फंदे हमने दोनों साइड से ट्रांसफ़र कर लिए हैं। पीछे हमारी दो निडिल खाली हैं, उन्हें हम आगे करेंगे। दो सिलाई लगाएंगे अब यहाँ पर, 1, 2, दो सिलाई लगा दी इस तरह से, हमारी दो जालियाँ बन जाएंगी। ये देखिए, फिर से हमें क्या करना है, दो निडिल जो हमारी है हम आगे की तरफ करेंगे, एक निडिल हम पीछे की साइड छोड़ देंगे, फिर तीन तीन निडिल को हम आगे करेंगे। 3-3 निडिल्स हैं, उन्हें हम आगे की साइड करेंगे। 3 निडिल हमने आगे की, 1 हमने पीछे छोड़ दी, फिर से 3 निडिल आगे की तरफ की। अब जो हमारी साइड की दो निडिल हैं, इनको फिर से हम लेंगे ट्रांसफ़र टूल पे और फिर से हम इसे अपनी लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे इस तरह से। 3 निडिल हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड में हो गई। इनके सेंटर में जो निडिल है, उसमें हम इन 3-3 निडिल्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र निडिल पे हमने इन तीन फंदों को लिए और इस तरह से ट्रांसफ़र कर दिया। अपनी लेफ्ट साइड के फंदों को भी हम इसी तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए, दोनों साइड फिर से हमारी एक एक निडिल खाली हो गई। जो पीछे की साइड है, उसे हम फिर आगे करके दो सिलाई लगाएंगे यहाँ पे, 1, 2। फिर से देखिए, दो निडिल जो हमारी साइड की है, उनको हम फिर से आगे की तरफ करेंगे और एक निडिल पीछे रखेंगे। अब दो निडिल आगे करेंगे, एक पीछे रखेंगे, दो आगे की तरफ करेंगे। जो ये दो निडिल है हमारी, इसको फिर से हमने क्या करना है, अपनी लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे हम इसको। और जो ये दोनों दो दो निडिल्स हैं, इनको हमने फिर से सेंटर की निडिल में इस तरह से ट्रांसफ़र करना है। फिर से जो हमारी खाली निडिल होगी, उसको हम आगे की तरफ करेंगे। दो सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पे, 1, 2। फिर से देखिए, 2 निडिल्स हमने आगे की है, एक को हमने फिर से पीछे रख दिया है। फिर से हम 1 निडिल आगे रखेंगे, एक को पीछे, 1 आगे, एक आगे, एक पीछे, ठीक है। इस तरह से फिर से हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे। और जो दोनों एक एक हमारी सिंगल जो निडिल है, इसको हम सेंटर के निडिल में इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे। जो पीछे की साइड निडिल है, उन्हें आगे करके फिर से दो सिलाई लगाएंगे। दो सिलाई लगा दी हमने। अब देखिए, जो हमारी साइड की 2 निडिल्स थी, जिसे हम हर बार ट्रांसफ़र कर रहे थे अपनी लेफ्ट साइड में, अब हम इसको लेंगे और अब अपनी राइट साइड हमने ये ट्रांसफ़र करना है इस तरह से। तो हमारी ये निडिल है खाली रह गई, ठीक है। अब देखिए, जाली वाला जो फंदा है हमारा, 1, 2, 3, तीन फंदों को छोड़ के हमने अपनी राइट साइड के फिर से
इन दो फंदों को लेना है और इसे हम अपनी लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। खाली नीली लाइन इन्हें हम फिर से आगे करके दो सिलाई लगा लेंगे, 1 2। फिर से देखिए जो ये हमारी 2 नीडल्स हैं इनको हमने फिर से ट्रांसफ़र नीडल में लेना है, राइट साइड ले लेंगे हम इसको। फिर से हमारे बीच में एक फंदा जो है खाली रह जाएगा और अब देखिए हमने 3 फंदों का गैप किया था, अब हम 5 फंदों का गैप करेंगे। या फिर इस तरह से समझिए कि जो हमारे ये जाली वाली जो हमारी नीडल होगी उसे छोड़ के हमें 2 फंदों को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद ये जो 2 फंदे होंगे इन्हें हम लेंगे और लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो खाली नीडल है हमारी उनको फिर से हमने आगे की तरफ करना है और 2 सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। फिर से रिपीट करेंगे, ये देखिए 2 फंदे लेंगे, राइट साइड ले चलेंगे इसे, एक नीडल हमारी खाली रह गई है। अब देखिए जाली वाला जो फंदा है 1, इसको काउंट करते हुए चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, जाली वाला जो फंदा है इसको छोड़ के फिर ये जो 2 फंदे हैं इन्हें ट्रांसफ़र नीडल पे लेंगे और लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। पीछे जो नीडल होंगे आगे करेंगे, 2 सिलाई लगाएंगे। फिर से देखिए हमें इसी तरह से करना है, इन दोनों फंदों को ले लेंगे राइट में, फिर देखिए काउंट करेंगे। ये समझने का थोड़ा अच्छा सा और आसान सा तरीका है, इस तरह से हमें ये काउंट करना है जाली वाले फंदे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 2 फंदे जो होंगे इसे हम लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे इस तरह से, खाली नीडल आगे करके 2 सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये जो हमारा पैटर्न है यहाँ से बन के यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और अब जो हम स्टार्ट करेंगे ऊपर के लिए, बिल्कुल हम यहीं से रिपीट करते हुए जाएंगे, जो हमने नीचे से स्टार्ट किया था ना स्टार्टिंग से, वही हम यहाँ से ऊपर के लिए स्टार्ट करेंगे। एक बार आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर जो हमारे ये 2 फंदे हैं इसे हम आगे करेंगे, 2 नीडल जो हैं इसे हम आगे की तरफ करेंगे, एक हम पीछे रखेंगे, फिर 4 नीडल जो हमारी होंगी 4 नीडल उसे फिर से हम आगे करेंगे, एक पीछे रखेंगे और 4 नीडल जो होंगी 4 नीडल उसे हम फिर से आगे कर लेंगे, जैसे बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हम स्टार्टिंग से कर रहे थे। तो इसे हमने फिर जो हमारे 2 फंदे हैं इनको हमने अपनी लेफ़्ट साइड में ले जाना है, ट्रांसफ़र करना है, उसके सेंटर में जो हमारी नीडल है उसमें हम इन फंदों को ट्रांसफ़र करेंगे। जो 4 नीडल के जो हमारे फंदे हैं स्टिचेस हैं उनको हमने सेंटर के नीडल में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेना है। ये देखिए अपने लेफ्ट साइड के जो हमारे अब जो फंदे हैं उनको भी हम इसी तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से, नीडल जो हमारे पीछे हैं आगे करके 2 सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल वैसे ही रिपीट करेंगे हम इसे जैसे हम डिजाइन हमने अभी स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। फिर 2 फंदे ले लेते हैं, इनको लेफ्ट में ले लेंगे क्योंकि 3 अब पिछली बार हमने 4 4 नीडल करके किया था, अब हम 3 लेंगे, 3 3 फंदों को 3 नीडल्स। तो 2 फंदे मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, अब इन तीनों को हम ट्रांसफ़र करेंगे सेंटर की नीडल में। पीछे की नीडल आगे करके 2 सिलाई लगाएंगे, फिर से 2 नीडल हमने आगे की, एक पीछे रखेंगे, फिर 2 आगे, एक पीछे और 2 आगे, फिर से इन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जो पीछे की नीडल है उन्हें आगे करके 2 सिलाई लगाएंगे, फिर 2 नीडल हमने आगे की, 1 हम पीछे रखेंगे, फिर से 1 आगे की तरफ, 1 हम पीछे रखेंगे, फिर 1 आगे की तरफ, मतलब एक नीडल हमारी आगे एक पीछे रहेगी इस तरह से। फिर से हमने इनको ट्रांसफ़र कर लेना है सेंटर की नीडल में, हम इन दोनों फंदों को ट्रांसफ़र कर लेंगे। पीछे नीडल जो खाली है आगे करके 2 सिलाई लगाएंगे, ये
ये देखिए, तो जो हमारा जो ये लीफ टाइप्स है या डायमंड टाइप्स कह लीजिए, तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है इसमें, बिल्कुल वैसे जैसे हम यहाँ पे से स्टार्ट करते हुए आ रहे थे ऊपर के लिए यहाँ पे से। तो ये देखिए फिर हमें किस तरह से करना है, एक बार से भी आप समझ लीजिए। ये देखिए दो फंदे हमने इधर ट्रांसफ़र किए, बीच में हमें नीडल खाली रह गई, ठीक है। उसके बाद ये जाली वाले फंदे काउंट करने हैं, तो जाली वाला एक फंदा हमारा ये हो गया 1 2 3। इसके बाद हमें जो ये दो फंदे हैं इनको ट्रांसफ़र करना है, तो इसे ऊपर आप अच्छे से कर लेंगे, समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। जो नीडिल हमारी पीछे की साइड है आगे करके दो सिलाई लगा लेंगे। एक बार इसमें हमारे फंदे इंक्रीज होते हैं और एक बार डिक्रीज, तो अभी हम इसमें अपने फंदों को इंक्रीज कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, खाली नीडिल रह गई। अब जाली वाला फंदा देखिए 1 2 3 4 5। तो जो ये फंदे एक बार जैसे कि फर्स्ट में हमारा ये पहले तो 3 फंदे होंगे, फिर 5, फिर 7 और 9। 9 के बाद हम इस ब्लॉक को जो है फिर से बंद करते हुए चलेंगे, या यूँ कह लीजिए कि फंदे हम डिक्रीज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरह से। तो अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से जो है हमारा ये पैटर्न बनेगा। तो देखिए हमारा जो ये डिज़ाइन है ये इस तरह से बन के आएगा, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए जो मैंने अभी तैयार किया है वो हमारा इस तरह से बन के आएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम इस तरह से कोई भी हम डिज़ाइन जब बनाते हैं ना, तो ये हमारा फोल्ड हो जाता है, ये देखिए रोल हो जाता है इस तरह से। ये देखिए हो रहा है ना ये रोल, और आप इसे देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, मतलब उसका फिनिशिंग के साथ हमें ये दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आपको हल्का सा इस पर प्रेस करनी होगी इसको, ठीक है, हल्के से इसे पानी की कुछ बूंदें छिटक के इस पर, या फिर स्प्रे कर लीजिए और आप फिर ऊपर से प्रेस कर लीजिए। तो ये क्या है हमारा बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर यह रोल हो रहा है। तो जब आप इस बॉर्डर को बनाएंगे तो इसमें आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।